दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे 1994 में मिस वर्ल्ड बन चुकी खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की अब तक की सभी फिल्म्स के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको इनकी सभी फिल्म्स के वर्डिक्ट के बारे में पता चलने वाला है। नंबर एक पे है इरुवर, 1997 में आई, बजट था 1 करोड़ और इसने 14 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म सेमी हिट रही। नंबर दो पे है और प्यार हो गया, 1997 में आई, बजट था 6 करोड़ 25 लाख और इसने 14 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर तीन पे है जीन्स, 1998 में आई, बजट था 20 करोड़ और इसने 35 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म हिट रही। नंबर चार पे है अब लौट चले, 1999 में आई, बजट था 4 करोड़ और इसने 20 करोड़ 49 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर पाँच पे है हम दिल दे चुके सनम, 1999 में आई, बजट था 16 करोड़ और इसने 51 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म सुपर हिट रही। नंबर छह पे है ताल, 1999 में आई, बजट था 13 करोड़ और इसने 51 करोड़ 16 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म सुपर हिट रही। नंबर सात पे है कंदुकोंदेन, 1999 में आई और ये फिल्म सुपर हिट रही। नंबर आठ पे है जोश, 1999 में आई, बजट था 16 करोड़ और इसने 35 करोड़ 7 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर नौ पे है हमारा दिल आपके पास है, 1999 में आई, बजट था 9 करोड़ और इसने 30 करोड़ 26 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म हिट रही। नंबर दस पे है दही अक्षर प्रेम की, 1999 में आई, बजट था 9 करोड़ और इसने 16 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 11 पे है मोहब्बतें, 1999 में आई, बजट था 19 करोड़ और इसने 40 करोड़ 2 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। नंबर 12 पे है अलबेला, 2001 में आई, बजट था 10 करोड़ और इसने 18 करोड़ 81 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 13 पे है हम किसी से कम नहीं, 2002 में आई, बजट था 18 करोड़ और इसने 29 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 14 पे है 23 मार्च 1931 शहीद, 2002 में आई, बजट था 20 करोड़ और इसने 14 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म डिजास्टर रही। नंबर 15 पे है देवदास, 2002 में आई, बजट था 44 करोड़ और इसने 101 करोड़ 78 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। नंबर 16 पे है चौखेर वाली, 2003 में आई और ये फिल्म हिट रही। नंबर 17 पे है दिल का रिश्ता, 2003 में आई, बजट था 8 करोड़ 25 लाख और इसने 14 करोड़ 61 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 18 पे है कुछ ना कहो, 2003 में आई, बजट था 8 करोड़ और इसने 13 करोड़ 8 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 19 पे है खाकी, 2004 में आई, बजट था 25 करोड़ और इसने 45 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 20 पे है क्यों हो गया ना, 2004 में आई, बजट था 10 करोड़ और इसने 16 करोड़ 36 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 21 पे है ब्राइड एंड प्रेजुडाइस, 2004 में आई और ये फिल्म ने 2 करोड़ 74 लाख डॉलर का कलेक्शन किया और ये फिल्म हिट रही। नंबर 22 पे है रेनकोट, 2004 में आई, बजट था 5 करोड़ और इसने 4 करोड़ 88 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म फ्लॉप रही। नंबर 23 पे है शब्द, 2005 में आई, बजट था 7 करोड़ और इसने 12 करोड़ 8 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 24 पे है द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, 2005 में आई, बजट था 9 करोड़ और इसने 3 करोड़ 44 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म डिजास्टर रही। नंबर 25 पे है उमराव जान, 2006 में आई, बजट था 23 करोड़ और इसने 19 करोड़ 53 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म डिजास्टर रही। नंबर 26 पे है धूम 2, 2006 में आई, बजट था 35 करोड़ और इसने 151 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। नंबर 27 पे है गुरु, 2007 में आई, बजट था 22 करोड़ और इसने 83 करोड़ 67 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म सुपर हिट रही। नंबर 28 पे है प्रोवोक्ड, 2007 में आई, बजट था 12 करोड़ इसने 13 करोड़ 28 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 29 पे द लास्ट लीजन, 2007 में आई और इसने 25 करोड़ 35 लाख डॉलर का कलेक्शन किया और ये फिल्म डिजास्टर रही। नंबर 30 पे है जोधा अकबर, 2008 में आई, बजट था 40 करोड़ और इसने 107 करोड़ 93 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म सेमी हिट रही।
नंबर 31 पे है सरकार राज 2008 में आई, बजट था 27 करोड़ और इसने 59 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 32 पे है पिंक पैंथर 2 2009 में आई, बजट था 7 करोड़ और इसने 7 करोड़ 6 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म ब्लो एवरेज रही। नंबर 33 पे है रावण 2010 में आई, बजट था 55 करोड़ और इसने 50 करोड़ 84 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म फ्लॉप रही। नंबर 34 पे है रावणन 2010 में आई, बजट था 30 करोड़ और इसने 43 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 35 पे है रोबोट 2010 में आई, बजट था 150 करोड़ और इसने 290 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। नंबर 36 पे एक्शन रिप्लाई 2010 में आई, बजट था 51 करोड़ और इसने 48 करोड़ 56 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म फ्लॉप रही। नंबर 37 पे गुजारिश 2010 में आई, बजट था 74 करोड़ और इसने 61 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म डिजास्टर रही। नंबर 38 पे जज्बा 2015 में आई, बजट था 33 करोड़ और इसने 42 करोड़ 63 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 39 पे सरबजीत 2016 में आई, बजट था 22 करोड़ और इसने 42 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म सेमी हिट रही। नंबर 40 पे है ऐ दिल है मुश्किल 2016 में आई, बजट था 100 करोड़ और इसने 241 करोड़ 6 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म सुपर हिट रही। नंबर 41 पे है फन्ने खान 2018 में आई, बजट था 40 करोड़ और इसने 19 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म डिजास्टर रही। नंबर 42 पे है पोनियन सिल्वन पार्ट 1 2022 में आई, बजट था 250 करोड़ और इसने 495 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। नंबर 43 पे है पोनियन सिल्वन पार्ट 2 2023 में आई, बजट था 160 करोड़ और इसने 356 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन किया और ये फिल्म सुपर हिट रही। दोस्तों, आपने इनमें से अंदाजन कितनी फिल्म देखी होगी और कौन सी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करके मूवीज के रिलेटेड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।